हैप्पी हार्डी एंड हीर, हैप्पी हार्डी एंड हीर के बारे में मैं ये कहूँगा कि उसका सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हीर है, इसलिए क्योंकि इससे यूनिक पीस आपने कभी नहीं देखा होगा लाइफ में। कैरेक्टर को करेक्टर बोलती है, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री बोलती है, बाबा जी की कसम उसकी बातें ही अलग है। और हीर इतनी नेचुरल है, हीर रंधावा फ्रॉम भटिंडा, एंड शी इज़ समवन जो ड्राइव करती है इस पिक्चर को। बाकी स्टोरी ये है कि हीर ने अपने बेस्ट फ्रेंड हैप्पी सिंह, जो सरदार का रोल है हरप्रीत सिंह लांबा, उसको फ्रेंड जोन कर दिया है। और आजकल लड़कियां फ्रेंड जोन बहुत करती हैं सबको, और वो फ्रेंड जोन में सारे लड़के परेशान हैं, क्योंकि मैं जब ये गानों के शोज़ कर रहा हूँ हैप्पी आर डी हीर कॉन्सर्ट्स में, तो लोग कहते हैं कि यार हम हैप्पी टीम में से हैं। क्यों? क्योंकि वो सब फ्रेंड जोन हो चुके हैं। और शी फॉल्स इन लव विद हार्डी, हू इज़ अ वेरी बिग बिजनेसमैन, सक्सेसफुल अचीवर, इज़ अ गुजराती NRI बिजनेसमैन। और उसकी मोहब्बत में पढ़ने के बाद, कैन वंस इन अ लाइफ टाइम हैपन ट्वाइस, डस शी कम बैक टू हैप्पी, या हैप्पी अपने फ्रेंड जोन में सेक्रीफाइस करता है। बहुत ही रिलेटेबल स्टोरी है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज है लास्ट में, क्योंकि आज की लड़कियाँ शादी में जो लाइफ पार्टनर ढूंढती हैं उसमें एक सक्सेसफुल अचीवर देखती हैं, और प्यार मोहब्बत में शादी की कामयाबी के लिए पैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या सिर्फ प्यार। ये मैसेज बहुत बड़ा निकल कर आता है, बिकॉज हीर का जो कैरेक्टर है वो बहुत सच बोलती है, और आप रिलेट कर पाएंगे। एक लव स्टोरी बहुत टाइम से नहीं आई ऐसी, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट अ वेरी गुड लुकिंग फिल्म, इट्स नॉट अबाउट ग्रेट म्यूजिक, बट इट्स अ वेरी गुड स्टोरी, इट्स अ वेरी गुड फिल्म इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज, बहुत ही एफर्टलेस नेचुरल परफॉर्मेंसेज हैं। और इट्स माई फर्स्ट डबल रोल, माई 10th फिल्म एज एन एक्टर, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग द म्यूजिक सच अ बिग हिट। बट आपको हरप्रीत सिंह लांबा या हर्षवर्धन भाटिया हीर रंधावा में वो देसी बंदे दिखाई देंगे जो आपका दिल छू लेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। और हीर वो क्या कर सकती है, वो कितना टॉर्चर कर सकती है, और कितना प्यार कर सकती है, और क्या बातें कर सकती है, ये आपके मुंह से सिर्फ एक बार सुन लीजिए तो आपको पता चलेगा मैं इतना हीर के बारे में क्या कह रहा हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हीर का रोल करते हुए, क्योंकि बेसिकली ये मैं ही हूँ जो इस रोल में हूँ, इस किरदार में हूँ। और जो हिमेशा ने पहले पंजाबी में कुछ हेलो कह दो। सत श्री अकाल सारा नू, मैं हथवड़ी अपनी सोनिया मान ते जिन्हें की है हैप्पी हार्डी हीर, और हीर द करेक्टर मैं निभा रही हूँ, जो मैं हाँ वो मैं हाँ। बाबा जी की कसम मैं झूठ नहीं बोलती। बट अब हिंदी फिल्म है तो अब हिंदी में प्रमोशन कर दो, बिकॉज ये लोग हर चीज़ में पंजाबी डाल देते हैं। बट अब ठीक है, बट ओके हिंदी में प्रमोशन कर देती हूँ। मेरी हैप्पी हार्डी हीर में जो हीर का करेक्टर है, करेक्टर कैरेक्टर नहीं, जो हीर का करेक्टर है वो मतलब बेसिकली हीर से बड़ा मैच खाता है। मतलब जो है अपफ्रंट, आउटस्पोकन, प्रैक्टिकल और सच बोलती है, झूठ नहीं। इंग्लिश सुनते जाइए, माइंड ब्लोइंग इंग्लिश है। मतलब छोटे छोटे जो ठीक है, जो यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड यहाँ टिपिकली सीधे साधे से बोलते हैं, मतलब एक्सेंट में बोलते हैं, वहाँ पे हमारे पंजाब में डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, बट बातें करती नहीं है, बातें मारती है। हाँ, जैसे हमारे उधर बातें मारते हैं हम, तो इनको लगता है कि बातें मारते और बातें करने में थोड़ा फनी है, बट ठीक है, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। हाँ, ये प्रिटेंस इसको नहीं है, ये इसके सच में बहुत अच्छी क्वालिटी है। और यही चीज़ एफर्टलेसली पिक्चर में लाना बहुत डिफिकल्ट था एज एन एक्टर, बिकॉज कितनी बार आप नेचुरली जो होते हो उसको जब फिल्मों की लाइन्स में आपको प्रिटेंस ना होकर परफॉर्मेंस में लाना है, उतना ही नेचुरल रहना जैसे अभी वो बात कर रही हैं, वो बहुत बड़ा चैलेंज था, और वो हीर ने बहुत अच्छा निभाया है। एंड सोनिया इज़ एफर्टलेस इन द फिल्म, आपको लगेगा ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रही है, वो प्लस पॉइंट है उसका। और वो कैरेक्टर को सही निभाना, मुझे लगता है कि जब उसने ऑडिशन दिया था हमें लग गया था कि यस, शी इज़ ब्रिलियंट एज हीर रंधावा। एंड उसको वो भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको इंग्लिश अगर उसका डिक्शन ठीक नहीं है तो वो प्रिटेंस नहीं है कि ठीक है मैं मुंबई जैसे शहर में हूँ या स्कॉटलैंड में हूँ या लोग क्या सोचेंगे। शी इज़ द वे, सच बोलती है, वो अपफ्रंट है, लेकिन बहुत ही प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाली लड़की है। जो लास्ट में मैसेज है, वो हर लड़की का अपना एक सपना है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ पार्टनर ढूंढने का, वो मैसेज आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा यस,
शी इज़ नॉट रॉन्ग एंड इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज एंड माइंड ब्लोइंग है. लाते पिलाते वाली एक बात सुनेंगे तो आप गिर जाएंगे, वो भी बता ही दे. हमारे पंजाब में जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ बोलते हैं कैफे लाते, तो वहाँ पे कैफे लाते मतलब वहाँ पे लाते मारते हैं, यहाँ पे लाते पिलाते हैं. अब ये इसका क्या तुक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये बातें वो बोलकर ही छोड़ेगी. तो ये सारी चीज़ें हमारी हीर रंधावा की है और ये हैप्पी को एक नंबर की वो भेजा फ्राई है, लेकिन हैप्पी के लिए शी इज़ अ क्यूटी पाई. उसके दिल से पूछ यू नो, उसको प्यार हो गया है और फिर भी इन्होंने फ्रेंड जोन कर दिया है, जो रियल लाइफ में भी ये बहुत लोगों को फ्रेंड जोन कर चुकी हैं. हर 15-20 मिनट में पंजाब से, मीरठ से, यूपी से, दिल्ली से, मुंबई से कोई ना कोई फ़ोन आता है जिसको ये बोलती है तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. दोस्त बड़े हैं इसके, लेकिन सब फ्रेंड जोन है. तो अब इसका रियल लाइफ में कौन आता है, इसकी ज़िंदगी में हार्डी कब आता है, ये भी एक करेक्टर, एक स्टोरी है भाई.